दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे अनाउंसमेंट पे ये घूम रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये रिजल्ट यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर डिविडेंड भी कंसीडर किया है, जो कि वो पहले ही अपडेट आ गया था 25 तारीख को ही अपडेट आ गया था सच। और यहाँ पर अभी रिजल्ट का आउटकम आ गया है तो अपन रिजल्ट का आउटकम देखते हैं और डिविडेंड को भी मैं एक साइड में खोल लेता हूँ, जो कि यहाँ पे आप डिविडेंड भी देख पाओगे अगर देख लें तो। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ ही टाइम पहले आया है रिजल्ट और यहाँ पे अपन अपडेट बनाने लग गए हैं। तो डिविडेंड यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने, बैंक ने यहाँ पे रिकमेंड कर दिया है हम लोग को। ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है अगर हम देखेंगे तो एक फाइनल डिविडेंड ही है। हाँ बिल्कुल, फाइनल डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड कर दिया है 20%, जो कि हम कह सकते हैं इसका फेस वैल्यू का। तो अभी यहाँ पर अगर हम इनके रिजल्ट्स पर चलें और समझने की कोशिश करेंगे रिजल्ट कैसा है, तो बैंक ने इंटरेस्ट कितना कमाया है, जो इनका मेन बिजनेस है A+B+C+D टोटल मिला के, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको नंबर नज़र आएगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है 890392। टोटल इनकम देखेंगे सारा कुछ मिला के, यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर रिजर्व बैंक RBI के पास जो पैसा पड़ा रहता है वहाँ से कितना इंटरेस्ट आया, सब कुछ देख के नंबर्स ऑब्वियसली बात है बड़े हैं तो लैक्स में आएंगे। अदर इनकम 1 ये पूरा मिला के और ये 2 नंबर का अदर इनकम 1+2 को देखेंगे हम तो यहाँ पर हमें नंबर आ रहा है 10,64,787, 10,64,000 नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर है तो लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो 11,42,000 नज़र आ रहा था। लेकिन वहीं अगर मैं लास्ट ईयर में देखूंगा तो लास्ट ईयर में हमें सीधा एक आपको डिप नज़र आ जाएगा, यहाँ पे 6,33,000 था। तो 6 लाख से 10 लाख के खाने में आ गई है बैंक, ये चीज़ समझ में आ रहा है लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डिप हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। अभी सिर्फ इससे नहीं होगा, अगर इन्होंने इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा ना, लोन अगर बांटा है तो लोगों ने पैसे भी तो जमा किए हैं तो एक्सपेंडिचर भी देखना है हमें। तो यहाँ पे एम्प्लॉई कॉस्ट और एक्सपेंडिचर सारा मिला के अगर हम देखेंगे, इंटरेस्ट जो इन्होंने खर्चा किया है सारा मिला के यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा 8,90,000 के अराउंड, 8,09,950 के अराउंड, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी इसके मुताबिक था लेकिन लास्ट क्वार्टर से अभी कम है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वो भी 4,63,000 नज़र आ रहा था। तो ऑब्वियसली बात है कमाई बढ़ा है तो खर्चा भी बढ़ना है, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से खर्चे को कंट्रोल किया गया है शायद से, इसीलिए कि कमाई कर लास्ट क्वार्टर से कम है। यहाँ पर और एक बड़ा बैंक की चीज़ों में, बैंकिंग के रिजल्ट्स में एक बड़ी चीज़ ऐड होती है जो होता है प्रोविजनल्स, ये डी पे देखेंगे ना, प्रोविजनिंग होती है कि कंपनी को कितना, बैंक को कितना नुकसान लग सकता है वो प्रॉफिट से ही साइड करके रख देते हैं कि भैया इस पैसे को पहले साइड कर देते हैं, देखते हैं अगर इसका नुकसान नहीं लगा तो एडजस्टमेंट सामने बाद में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल जो एडजस्टमेंट है ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो प्रोविजनिंग, अगर हम प्रोविजनिंग की बात करें, प्रोविजनिंग यहाँ पे कम होती हुई नज़र आई है लास्ट क्वार्टर से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि अच्छा है, मतलब कंपनी कह रही है कि भैया जो नुकसान होने के चांसेस है वो हमारे कम है। यहाँ पर आइटम कुछ एक्सपर्सनल आइटम की एडजस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आएंगे और चीज़ों को हम और डिटेल में समझेंगे तो प्रोविजंस पे टैक्स वगैरह की छूट जो भी मिलती है। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें यहाँ पर नज़र आ जाएगा कितना, 1,70,000, जो कि लास्ट क्वार्टर में था ओनली 51,000 और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था वो 21,000 माइनस नज़र आ रहा था। एक बहुत ही ख़तरनाक जानदार, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये रिज़ल्ट इनका कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने, बैंक ने, लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़िया ख़तरनाक जंप है ही है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो और थोड़ी सी नीचे आएंगे, अर्निंग पर शेयर पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, अर्निंग पर शेयर यहाँ पे सारा कुछ मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 15 रुपये पर शेयर की कमाई की है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 4.5 रुपये पर शेयर की कमाई की थी और ईयर ऑन ईयर बेस पे नुकसान में था, माइनस में था, यहाँ ब्रैकेट में नहीं है लेकिन देखिए माइनस का चिन्ह नज़र आ रहा है तो माइनस का नुकसान यहाँ पे हमें माइनस में था, 3 रुपये माइनस में था। तो अभी एक बहुत बड़ा जंप नज़र आया इंडियन बैंक में, मुझे तो लग रहा है भैया एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल जानी है इंडियन बैंक में। मेरे पास तो शेयर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आपके पास अगर शेयर पड़े हुए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी इतने में नहीं मज़ा आएगा, अभी इसकी तो NPS भी चेक करने हैं भैया, तो ग्रॉस भी चेक कर लो आप, नेट भी चेक कर लो। अगर मैं ग्रॉस की बात करूं तो यहाँ पे हमें NPS ग्रॉस में बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन नेट की अगर बात करें तो क्या हो रहा है,
नेट में यहाँ पर हम देखें तो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो बढ़ा हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। सरकारी बैंकें हैं यार, कर्जे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होते हैं और डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होने का कारण क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इतनी ज़्यादा कोई कैसा भी डॉक्यूमेंट दे जाता, अगर मैं और आप लोन लेने चला जाऊँ ना तो 36 डॉक्यूमेंट मांगेंगे, 36। एक सेविंग्स अकाउंट भी खुलवाने चला जाऊँ ना, एक SBI अकाउंट खुलाने चला जाऊँ, 36 डॉक्यूमेंट मांगेंगे वहाँ पर। इतना तंग करेंगे, इतना तंग करेंगे कि बंदा फेड अप हो जाए। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं, कोई ऐसा बंदा चला जाता है जो कि मैं बात करूं कोई ऐसा बंदा चला जाता है जो कि बहुत बड़ी हस्ती है, मैं बात करूं एक कॉरपोरेट लोन लेने चला जाता है तो वहाँ पे बढ़िया आसानी से मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सामने हमें नज़र आ रही है। एक बार आपको इंडियन बैंक की साइट पर लेके जाऊँगा तो आपको चीज़ें यहाँ पर कुछ और भी समझ में आएगी। ये देखिए इलाहाबाद बैंक अभी इंडियन बैंक हो गया है, ये आपको नज़र आ जाएगा मर्जिंग के बाद। ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा, नीचे इलाहाबाद बैंक, ऊपर इंडियन बैंक हमें नज़र आ रहा है ना। तो गाइस यहाँ पर अगर हम भाव देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा वेबसाइट नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बातें करना नहीं छोड़ा। नॉर्मल सा वेबसाइट था यार, जैसे प्राइवेट बैंकों का होता है वैसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डबल टॉप हमें एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कल एक बड़ी तेज़ी अगर हमें देखने को मिलती है तो शायद से ये वाला जो हाई है कंपनी बैंक अपना ब्रेक करेगा जो कि 157-158 रुपये का है। नीचे वाले लेवल से मेरे पास पड़ा हुआ है, बढ़िया तेज़ी भी बनी है, देखते हैं ये तेज़ी कहाँ तक लेके जाती है। 170 तक का टारगेट मैं सोच के रखा हूँ और 170 तक के पास अगर मैं जाऊँगा तो बुक करूँगा। नंबर्स लॉन्ग टर्म के लिए भैया काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर लगा। अगर मैं बात करूँ तो PSU बैंक्स में अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे इंडियन बैंक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। वैसे तो वर्स्ट में बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो SBI है, SBI से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, SBI बेस्ट है। लेकिन अगर उसमें भी कुछ SBI से भी कुछ सेकंड ऑप्शन ढूंढता हूँ तो मुझे इंडियन बैंक ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ था आर्टिकल में, इनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है तो बहुत स्ट्रांग है बैंक, बहुत स्ट्रांग है, समझ पा रहे होंगे आप, होप करता हूँ। तो यहाँ पे डबल टॉप एक्टिवेट हो जाएगा कल, एक बड़ा मंडे को एक बड़ा हमें अगर तेज़ी देखने को मिले। होप करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।